और ये एनडीए की सरकार है, पूरी सरकार और नरेंद्र मोदी बिहार के विकास की चिंता कर रहे हैं। जो लोग हारे हैं, हताशा में हैं, वो बेचैनी में न आए। कहीं ना कहीं अभी जो 2-3-4 के आंकड़ों पर सिमटे हुए लोग जो बड़े बड़े बयानवीर बन रहे थे कि 25 सीटें आ रही हैं, उनसे जाके पूछिए कि 25 सीटें कहाँ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन, में हूँ आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के 8 मंत्री शामिल हुए हैं, सभी ने आज पदभार ग्रहण किया, तो दूसरी तरफ अब इसको लेकर सियासत काफ़ी गर्म है। तेजस्वी यादव एक तरफ कहते हैं कि बिहार को झुनझुना मिला है, बिहार के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बिहार को क्या मिला? तब इस पर बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिला है, इसलिए वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है नितिन नवीन का, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। हो गया है, लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बिहार को झुनझुना थमा दिया गया है, इनके लिए कुछ नहीं मिला है, तो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। बिहार को 8-8, 7-7 मंत्री मिले हैं और सब बिहार के विकास के लिए अपने आप को लगने और सारे डिपार्टमेंट जो बिहार से रिलेटेड हो सकते थे उन सब पर फोकस किया गया है। और ये एनडीए की सरकार है, पूरी सरकार और नरेंद्र मोदी बिहार के विकास की चिंता कर रहे हैं। जो लोग हारे हैं, हताशा में हैं, वो बेचैनी में न आए। कहीं ना कहीं अभी जो 2-3-4 के आंकड़ों पर सिमटे हुए लोग जो बड़े बड़े बयानवीर बने थे कि 25 सीटें आ रही हैं, उनसे जाके पूछे कि 25 सीटें कहाँ हैं उनकी। तो एक अलग विषय है। देखिए, सांसद हमारे यहाँ जब चुन के आएंगे तो उसके बाद हम मंत्री बनते हैं, और ये प्रक्रियात्मक चीजें हैं। हर वर्ग को और हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। पप्पू यादव पर एफआईआर हुई है रंगदारी मामले पर। सरकार तो बना ली है, पर कितने महीना चला पाएंगे, कितने साल चला पाएंगे? ये गलत फहमी है। मत लिए बैसाखी पे चल रही है सरकार, जो बैसाखी पे जो खुद व्हील चेयर पे हो वो दूसरे की बैसाखी की चिंता न करें। पप्पू यादव पर एफआईआर हुई है रंगदारी मामले पर। रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया है पप्पू यादव। देखिए, जो भी मामले आएंगे, जो भी कानून के तहत जो भी दोषी होंगे, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, जो भी लोग होंगे, अगर कानून तोड़ते हुए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। लालू यादव का आज बर्थडे है, आज जन्मदिन है, गरीबों की समस्या है लालू यादव। मेरी उनको स्वस्थ और की शुभकामना है, कि जन्मदिन की बधाई भी है और वो स्वस्थ रहे, सुमंगल रहे, लेकिन अपने पार्टी को, अपने पुत्र को कम से कम सही शिक्षा दे, इसकी इच्छा जरूर होगी। तो भी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन किस प्रकार से तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग के लेकर कटाक्ष कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के लोगों को कुछ नहीं मिला है, तो इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को देखते हुए मंत्रालय मिला है, उन मंत्रालयों को दिया गया है जो बिहार के हित के लिए काम आए। वहीं लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन पर उन्होंने शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि लालू जी अपने पार्टी और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दें। क्या कुछ कहना था नितिन नवीन का आपने सुना। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।